हमारे साथ पायल हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में आपका पायल। थैंक यू सो मच। पायल सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, शादी की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है, पूरी प्रिपरेशंस हो गई हैं आपकी तरफ से? जी हाँ, प्रिपरेशंस तो हो चुकी है, बट मैं प्रिपेयर कुछ करूँ हो कुछ और मुझे पता नहीं, बट जो भी होगा अच्छा होगा, बिकॉज गॉड इज देयर एंड आई बिलीव दैट द पावर अबव मी विल गाइड मी टू मेक द राइट चॉइसेस एंड द राइट डिसीजंस। तो मेरे अनुसार प्रिपरेशंस हो चुकी है। मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार खबरें हैं, आपका खूबसूरत फोटोशूट नजर आता है संग्राम के साथ, ये सब प्लानिंग आपकी है संग्राम की? नहीं, सारी प्लानिंग मेरी होती है। संग्राम जी को कन्विंस करना भी वो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, क्योंकि संग्राम जी ही को शेरवानी पहनाना वो भी एक टास्क होता है, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस पीपल जो इतना वो सब में नहीं है, मतलब क्लोथ्स के जोन में और ये सब में। ही वुड जस्ट वेयर अ टी शर्ट एंड जीन्स एंड बी हैप्पी, उनका बस चलता तो वो ही पहन के शादी भी कर लेते। तो आई थॉट कि लेट मी प्रिपेयर हिम कि भैया इतना टीडियस होता है द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी एज अ वुमन, तो एज अ मैन ऑल्सो यू शुड गेट हाफ ऑफ द ट्रबल। तो आई थॉट प्री वेडिंग शूट करवा लेती हूँ, नए पिक्चर्स एक खिंचवा लेती हूँ, सो दैट यू नो आप लोगों के पास भी कुछ कंटेंट हो, क्योंकि आप लोगों के पास हम दोनों के कोई मशी मशी फोटोग्राफ्स है ही नहीं, क्योंकि 12 साल से हमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है पब्लिकली। हम लोग साथ में हैं मगर वी हैव नेवर डन समथिंग यू नो मशी मशी दैट मच। सो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव एवरीबॉडी गुड पिक्चर्स एंड प्रिपेयर इंस्टाग्राम आल्सो। दुल्हन बनना हर एक लड़की का सपना होता है, और ये सपने का इंतजार आपको बहुत लंबा करना पड़ा। आई थिंक लाइफ में जब होना होता है तभी होता है, एंड मेरे टाइम मेरे नसीब में अभी होगा, इसलिए अभी हो रहा है, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस, यू हैव टू बिलीव इन हाउएवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, लेकिन चूंकि आप लोग इतने सालों से साथ थे, तो कभी आपकी तरफ से कोशिश हुई कि यू नो शादी की पहल करने की, या संग्राम की तरफ से, या कभी बातचीत हुई इस तरह की चीजें? नहीं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली स्पेस एक दूसरे को देने वाले व्यक्ति हैं। हमारी ओपिनियंस भी बहुत मुद्दों पर डिफर करती हैं, मगर हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम करने वाले थे, दोनों प्लान कर रहे थे करने की, मगर हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, क्योंकि कभी सिचुएशन ऐसे हुई कि मेरी नानी का यू नो शी पास्ड अवे एंड देन माय दादाजी पास्ड अवे, तो घर का माहौल थोड़ा अजीब था, एंड देन वी वर लाइक ठीक है बाद में करेंगे, तो इट जस्ट वेंट ऑन लाइक दैट वे। अभी भी मैंने एक रियलिटी शो किया था, तो आई वॉज अवे एंड देन आई केम आउट एंड इन द शो संग्राम जी सेड लेट्स गेट मैरिड एंड आई वाज लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस नाउ एंड ही वाज लाइक यस। तो फिर बाहर आने के बाद हमने सोचा कि हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम नवंबर दिसंबर तक वेट करेंगे कि सर्दी का मौसम आ जाए, यू नो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, हम और थोड़े कंपेटेबल हो जाए, तो होगा नहीं, क्योंकि अभी भी हम लड़ते हैं, वी हैव आवर डिफरेंसेस, बट वी आर लाइक दिस, सो लेट्स जस्ट टेक द प्लंज व्हेन वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा, आमतौर पर जब भी आप यू नो सोशल मीडिया पर हमने देखा है आपकी एज को लेकर, आपके लुक को लेकर, आपकी क्लोथिंग स्टाइल को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर ट्रोल करते हैं लोग, उन ट्रोलर्स को क्या कहना चाहेंगे? आई वुड जस्ट टेल देम दैट इट्स नाइस दैट यू थिंक सो मच अबाउट मी, आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज कहीं ना कहीं आई मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट I am much fitter than lot of actresses जो शायद मुझसे younger होंगी। My competition is, I think, my inspiration would be somebody like Jennifer Lopez or Meryl Streep or Julianne Moore, because these are actresses who have defied age and they look beautiful. They are obviously very very old as compared to me, or senior you can use the word, but why not? क्यों नहीं है? हम इंडिया के अंदर ये जो एज का जोन है जिससे हम एक्ट्रेसेस को टाइपकास्ट करते हैं, वो हम जोन एक्टर्स के ऊपर यूज करें, मेल एक्टर्स के ऊपर यूज करें, क्योंकि बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं, दे फ्लॉन्ट देयर एज एंड द मास इज ओके विद देयर फ्लॉन्टिंग, बट इफ विमेन वॉन्ट टू फ्लॉन्ट देयर एज एंड लुक यंग एंड इंस्पायर द यंगस्टर्स दैट लुक that you know I am so fit, I can do my back flips, I can do my front flips, and I am in this age, then
why do people don't accept it? तो ये जो hypocrisy है इसको address करना बहुत जरूरी है. ये मैंने I think मेरे reality show में भी experience किया था. So I think it's something which will change with time. And trolls को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ that I know that you are trolls. I know there is some PR company behind you because when I click on your profiles, I see one follower or one post or five or private accounts. तो आजकल सबको पता चल गया कि trolls are trolls. So just or you know family relatives को भी पता चल गया. So they are also not taking it very much to the heart. They have also become intelligent because social media के जमाने में थोड़ा बहुत logically handle करना जरूरी है बहुत situations को. बिल्कुल. अब जबकि शादी की तैयारी हो रही है, आप मुझे बताइए किस किस को इनवाइट भेजा है, कौन कौन शादी अटेंड करने वाले हैं, गाजे बाजे होंगे, संगीत सेरेमनी होगी, क्या कुछ प्लान में है? द वेडिंग इज विद फैमिली एंड फैमिली वेरी क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द फैमिली बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी क्राउडेड. तो आगरा में है शादी एंड संग्राम्स फैमिली इज ड्राइविंग डाउन फ्रॉम हरियाणा एंड वी विल फ्लाई डाउन फ्रॉम अहमदाबाद. शादी का जो रिसेप्शन, शादी के बाद का जो रिसेप्शन होता है वहां पे वी हैव इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल. संग्राम जी इनफैक्ट इनवाइट्स ही दे रहे हैं दिल्ली के अंदर एंड ही इज लाइक कि मैं यहाँ पे इनवाइट्स दे रहा हूँ और आप बैठ के वहां पे अपने बाल और स्किन करवा रहे हो. सो आई एम लाइक या दैट्स द वर्क ऑफ बीइंग द ब्राइड. आप ग्रूम है, यू कैन अफोर्ड टू काइंड ऑफ डू द हार्ड वर्क. तो hopefully people from the political circle, people from the industry should be there. Delhi reception mein we don't know how many people from the industry will be there, but koshish karenge ki we will you know cover a lot of people. And Mumbai reception also we are planning, but let's just get married first so then we can you know easily look after at the other aspects. To apne lehenga final kar liya hai, makeup and chuda and everything. देखिए मेकअप, आई हैव नॉट मच ऑफ अ मेकअप पर्सन, टच वुड आई हैव अ गुड स्किन. आपने शो में भी देखा होगा आई लुक बेटर विद लेस मेकअप. बट यस वी विल बी हैविंग पीपल अराउंड अस टू हेल्प अस विद द गेटिंग रेडी लुकिंग प्रिटी. लहंगा यस आई हैव शॉर्टलिस्टेड टू थ्री आउटफिट्स. बस यही है कि विच वन आई विल वेयर बिकॉज आई एम द ब्राइड. So I need to be, you know, very, very sure that I'm looking the best in this. So, आपको मैं वो 9th July को ही बताऊंगी जब मैं वो outfit पहनूंगी. But yes, everything looks to be finalized. जैसे मैंने बोला shortlisted, अब वो final day पे पता चलेगा कि what I'm wearing finally. अच्छा मुझे बताइए कि संगीत ceremony के लिए कोई गाना final हुआ है? वो जोन अभी तक नहीं आया है बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. आई एम गोइंग टू गेट इनटू दैट जोन. आई एम गोइंग टू मैसेज दिस लेडी हु इज प्लानिंग द वेडिंग कि भैया संगीत का गाना कौन सा है बिकॉज आई थिंक फेरे के गाने के लिए शी वॉज टेलिंग मी एंड आई वॉज लाइक ओके लेट्स फिगर दिस आउट. तो अभी वो जोन भी हम फिगर आउट कर रहे हैं जल्दी एंड आई विल लेट यू नो. अच्छा किस रीति रिवाज से शादी कर रही हैं आप? हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है बिकॉज संग्राम एंड मैं दोनों हिंदू हैं एंड हम लोग मंदिर में शादी करने का सोच रहे हैं. जेपी आगरा इज द होटल वेयर वी आर स्टेइंग बट एंड डूइंग द प्री वेडिंग फंक्शंस. बट शादी मंदिर में सोच रहे हैं जस्ट दैट वी आर जस्ट फिगरिंग इट आउट कि कैसे करें यू नो मंदिर होटल से कितना दूर है, नजदीक है, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग है, जस्ट ट्राइंग टू फिगर दैट आउट. बट हिंदू रीति रिवाज से फेरे होंगे और हमारी शादी होगी. आमतौर पर धर्म की बात कर रहे थे हम, आप हमेशा क्योंकि कोर्ट आपका आता है, आपकी वीडियोस आते हैं, आप अपना पक्ष हमेशा स्ट्रांगली रखती हैं, इस पर भी कई बार आपको ट्रोल किया जाता है जी. तो क्वेश्चन क्या था? सवाल यही था कि मतलब कितना, मतलब क्योंकि अपनी बात रखने का, अपनी अपना पक्ष रखने का भी कई बार नतीजा भुगतना पड़ता है, ट्रोल करा जाता है इस बात को, काफी कमेंट को लेकर. जी आई थिंक बीइंग एन ओपिनियटेड वुमन मैं अपना पक्ष रखूंगी. मेरे परिवार वालों को कभी कभार अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना पक्ष रखती हूँ बिकॉज दे गेट स्कैर्ड फॉर माई वेल बींग, यू नो दे गेट स्कैर्ड कि यू नो आई शुड बी सेफ एंड एवरीथिंग. बट आई बिलीव कि आई हैव चेंज्ड द वे आई पुट अक्रॉस माई थॉट्स. बट आई डू पुट अक्रॉस माई थॉट्स बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अफेक्ट करती हैं एंड कुछ चीजें जब आपको अफेक्ट करती है तो उसके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है. जब तक आप उसके ऊपर चर्चा नहीं
करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि चाय पे चर्चा होती है, वैसे इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर चर्चा करनी बहुत जरूरी है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। चर्चा आप सही तरीके से करिए, हेल्दीली करिए, ये जरूरी है। चर्चा में वायलेंस करना, मारपीट करना, धमकियां देना, ये सब गलत है। तो मैं तो ऑब्वियसली मारपीट, गाली गलौज ये सब मैं तो हुई नहीं, बट हाँ पहले थोड़ी सैडिस्टिक सार्कास्टिक हुआ करती थी, वो मैंने अपना अंदाज बदल दिया है। पर्सनल भी मैं नहीं होती अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुद्दा है वो मुद्दे रिलेटेड बात रखो, अपना पॉइंट रखो, पर्सनल नहीं हो, सार्कास्टिक नहीं हो, बट मैं अपना पॉइंट रखूंगी क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व है। ओके अब चूंकि आप मिल गई हैं, शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर है, संग्राम ने कोई आपको सरप्राइज प्लान किया है, आपको लगी है कुछ सरप्राइज गिफ्ट की? संग्राम क्या आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों से हैं, आपने कोई सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया हो या संग्राम की तरफ से कोई भनक लग रही हो वेडिंग गिफ्ट? अच्छा, वेडिंग गिफ्ट भी होती है नहीं पता का क्रेडिट कार्ड तो मेरा वेडिंग गिफ्ट है, डेबिट कार्ड भी मेरा वेडिंग गिफ्ट है, और मैं संग्राम की वेडिंग गिफ्ट हूँ। तो हम लोग इतना, तो सच बोलूं इतना सब कुछ होता है वेडिंग के अंदर, गिफ्ट भी प्लान करो, ये भी करो, वो भी करो, आई हैड नो आइडिया। बट हम अभी तक गाना प्लान कर लेते हैं, फिर वेडिंग गिफ्ट तो हम दोनों डिसाइड कर लेंगे, वो म्यूचुअल है हम दोनों का। चलिए, जब भी आपकी वेडिंग गिफ्ट डिसाइड होगी जरूर बताइएगा हमें। जी जी जी, आप लोग मुझे इतने सारे पॉइंटर्स दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं पड़ता कि लोग दो दो तीन तीन शादियां कैसे करते हैं, एक शादी से ही आदमी इतना थक जाए। अभी शॉपिंग करने कहाँ जाने, कहाँ पे आपने मेन शॉपिंग करी है सारी चीजों की? शॉपिंग हमारी अहमदाबाद में ज्यादातर हुई है, बिकॉज मेरी फैमिली अहमदाबाद में है, तो मेरी मम्मी के फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग इजिली जाके शॉपिंग कर लेते हैं। एंड आजकल बहुत सारी चीजें तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, बिकॉज कोविड ने हमें सिखा दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आसान चीज है, घर बैठे बैठे आपको अपनी मर्जी की चीजें मिल जाती है। साथ साथ में बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे वेंडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बिकॉज वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारी शादी के लिए। तो अलग अलग तरीकों से हमारी शादी में लोग जुड़े हैं, सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जाते जाते बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कल एक इंसिडेंट हो गया जिसकी चर्चा हर जगह, अगर कोई कमेंट कोई कोट आप देना चाहें, जो हिंसा हुई है उदयपुर में। एक सेकंड भैया, प्लीज एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिए। इट वाज वेरी वेरी ब्रूटल, वीडियो मैंने देखा, एंड मैं आधा ही देखकर आई कुड नॉट यू नो सी द पिक्चर्स एंड द वीडियो। इट वाज वेरी शॉकिंग दैट द पीपल मेड अ वीडियो बिफोर doing something so violent. वो proud feel कर रहे थे कि वो ये सब करने वाले हैं. The thought process needs to be condemned. Strict action needs to be taken. They have been arrested. I have read that also. The government needs to do something to set an example so that people who have this kind of thought process, they think 100 times before even, you know, having that thought process, because this was brutal. This is India, this is not Afghanistan. You cannot do something like this. Any difference of opinion is a difference of opinion because you live in a democracy. You cannot go with weapons killing people. It is not acceptable. Harshest punishment to the culprits. चलिए, थैंक यू अपना ओपिनियन रखने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपके शादी के वीडियोस फोटोग्राफ्स का हम लोग सभी से इंतजार करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे मुंबई रिसेप्शन में। जी जी जी, जरूर सोनल जी, थैंक यू थैंक यू, बाय।